दोस्तों आपने चाइना वॉल के बारे में सुना होगा। ये दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर आप इस पर पैदल सफर करें तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में आपको 18 माह लग जाएंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट की मदद से ही देखा जा सकता है। अगर आप इसे जहाज की मदद से मुकम्मल तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। इसका एक हिस्सा कोबी डिजर्ट से शुरू होता है और खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से होता हुआ समुद्र में जाकर खत्म होता है और इसका साइज 8,850 किलोमीटर है। आखिर इस दीवार को क्यों बनाया गया और जिस पॉइंट से ये दीवार शुरू होती है वहाँ साइंसदानों ने ऐसा क्या देखा जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 8,850 किलोमीटर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप एक ट्रेन से लगातार सफर करें तो इस डिस्टेंस को पार करने में आपको 14 दिन लग जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दीवार को एक ट्रेन से पार करने में 14 दिन लग जाएंगे तो इस दीवार को 650 साल पहले चाइना के लोगों ने कैसे बनाया होगा। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने इस दीवार को दो तरीकों से स्टडी किया, एक था सैटेलाइट और दूसरा था ड्रोन। सैटेलाइट से साइंसदानों ने नोटिस किया कि इस दीवार में हर कुछ फीट पर टावर्स बने हुए हैं जिनके चारों तरफ विंडोज मौजूद हैं। यहाँ एक आदमी खड़ा होकर दूर तक आसानी से देख सकता है। असल में इन वॉच टावर से चारों तरफ निगरानी की जाती थी और पूरी दीवार में ऐसे 24,000 से जायद वॉच टावर्स को फाइंड किया जा चुका है। इसके अलावा साइंसदानों ने दीवार की ऊपर वाली साइड पर इन छोटे छोटे सुराखों को देखा। जब इन सुराखों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 650 साल पहले चाइना की आर्मी के लोग यहां से दुश्मन पर तोप से हमला करते थे जिससे दुश्मन इस दीवार पर नहीं चढ़ पाता था और उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ता था। यानी इस दीवार को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और दुश्मन के लिए इसे क्रॉस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कौन लोग थे जिनसे चाइना की आर्मी को इतना ज्यादा खतरा था। जब सैटेलाइट से इस दीवार को स्टडी किया जा रहा था तब साइंसदानों ने नोटिस किया कि ये दीवार रेगिस्तान, पहाड़ और खतरनाक जंगलों से गुजरती है जिसके बाद उनका ध्यान जंगलात की तरफ गया। उस दौर में यहाँ मंगोल रहा करते थे जो चाइना में आकर कत्लो गारत और लूट मार करते थे। मंगोलों से तंग आकर चाइना की आर्मी ने इस दीवार को बनाया ताकि मंगोल जंगला से चाइना के अंदर दाखिल ना हो सके। ये तो पता चल चुका था कि इस दीवार को क्यों बनाया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि इस दीवार को कैसे बनाया गया। सैटेलाइट से साइंसदानों ने इस पॉइंट को नोटिस किया। यहाँ से ये दीवार सबसे ऊंचे पॉइंट से होकर गुजरती है। असल में ये एरिया बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिन चैंग का पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और ये एरिया इस दीवार का सबसे ऊंचा पॉइंट है जिसे देखकर वो सोच में पड़ के कि आखिर इतने ऊंचे पॉइंट पर उस वक्त के लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे पहुंचाया जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इस चीज के बारे में जानने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन की मदद से इस दीवार का 3D मैप बनाया गया। 3D मॉडल से इस वॉल का सारा मैप साइंसदानों के सामने था। मॉडल से उनको इस दीवार की नीचे वाली साइड पर कुछ सुराख दिखाई दिए। ये छोटे छोटे सुराख असल में डोर्स थे जो इस दीवार के बिल्कुल नीचे बनाए गए थे जिनसे दीवार के दूसरी जानब आसानी से जाया जा सकता था। ये दरवाजे पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे जो आसानी से दिखाई नहीं दे रहे थे जिसकी वजह से इन डोर्स को सीक्रेट डोर्स का नाम दिया गया। अब सवाल ये आता है कि इन डोर्स को क्यों बनाया गया। अभी साइंसदान इसके बारे में रिसर्च कर ही रहे थे कि इन्हें एक सुराख दिखाई दिया जिसे तोड़ा गया था। असल में ये एक टनल का सुराख था जिसको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा गया था जिसके पास साइंसदानों ने कहा कि इन डोर्स और सीक्रेट टनल को उस वक्त मिंग्स की आर्मी ने इसीलिए बनाया कि जब मंगोल हमला करे तो आर्मी के लोग इंडोर से जंगलों में जाकर बैक साइड से मंगोलों पर हमला कर सके। सैटेलाइट की मदद से उनको ये भी पता चला कि ये दीवार ईस्टर्न चाइना से शुरू होकर चाइना के गोबी डिजर्ट तक फैली हुई थी। यहाँ एक खूबसूरत किला बना हुआ है। ये किला बहुत ज्यादा बड़ा है और शायद यही उस वक्त की आर्मी का हेडक्वार्टर था।
अभी तक साइंसदानों को ये लग रहा था कि ये दीवार गोबी डिजर्ट में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीर में एक ऐसी चीज थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार खत्म होती है, वहाँ से एक और दीवार शुरू होती है। जब साइंसदान वहाँ गए तो उन्होंने देखा ये दीवार ग्रेट फॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन बाद में ये बात कंफर्म हो गई कि ये दीवार ग्रेट फॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी है। इसके अलावा वहाँ पर उनको कुछ चीजें मिली। जब उनकी डेटिंग की गई तो पता चला ये चीजें 2200 साल पुरानी हैं, यानी ये चीजें मिंग्स डायनेस्टी से 1500 साल पुरानी हैं। लेकिन उस वक्त ना चाइना में मिंग्स डायनेस्टी की हुकूमत थी और ना ही मंगोल थे, तो फिर ये दीवार क्यों बनाई गई और इसे किसने बनाया? इस दीवार के साथ बहुत अजीबोगरीब स्ट्रक्चर भी बने हुए थे। साइंसदान उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको अचानक कुछ ऐसी लकड़ियों के टुकड़े मिले जिन पर कुछ लिखा हुआ था। ये टुकड़े 2200 साल पुराने थे और इन लकड़ियों के टुकड़ों पर लिखी चीजों को आसानी से पढ़ा जा सकता था। जब इसकी ट्रांसलेशन की गई तो पता चला ये टुकड़े किसी कमांडर के थे। इन टुकड़ों पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर पर फ्लैग लहराए जाएं और आज के वक्त हमला होने पर वॉच टावर पर आग लगाई जाए। असल में हंस 2200 साल पहले इन इलाकों पर हुकूमत करते थे और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, जिसके पास साइंसदानों को पता चला कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स वॉच टावर थे जो 2200 साल पुराने थे। ये दीवार भी हजारों मील तक फैली हुई थी। इस वॉल के साथ साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिनको देखकर ये पता चला कि इस वॉल से सिर्फ बॉर्डर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि इस वॉल से सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट किया जाता था। सिल्क रूट को कदीम जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ता था। इस रूट पर ज्यादातर रेशम की ट्रेड होती थी, इसलिए इस रूट को सिल्क रूट का नाम दिया गया। चाइना के लिए ये रूट बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि ज्यादातर ट्रेड इसी पर होती थी, इसीलिए चाइना को किसी भी तरह इस रूट को प्रोटेक्ट करना था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पुरानी दीवार की लंबाई 12,000 किलोमीटर है, जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी बड़ी है। अगर चाइना की सभी वॉल्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 21,000 किलोमीटर बनती है, और अगर सभी वॉल्स को स्ट्रेच किया जाए तो ये दीवार आधे से भी ज्यादा दुनिया में फैल सकती है। साइंसदान के मुताबिक ग्रेट वॉल का 40% हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 400,000 लोग मर गए थे, यानी लोगों से सजा के तौर पर काम करवाया जाता था और जो लोग मर जाते उनको इसी दीवार के अंदर दफन कर दिया जाता। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो, आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।